हेलो बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर से ये क्वेश्चन है आपका देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कंसीडर द दलिजन डिपिक्टेड इन फिगर 5.10 पॉइंट टेन टू बी बिटवीन टू ब्लेट्स बॉल्स विद इक्वल मासेज एम वन इज इक्वल टू एम टू बच्चों ये दो ब्लेट्स बॉल हैं और उनका जो मास है वो इक्वल है ठीक है तो अगर दोनों का मास इक्वल है तो हमने उनका मास कितना मान लिया एम मास मान लिया ठीक है देखो जैसे यहाँ पे ये फिगर हमें गिवन है

इनिशियली रेस्ट में टारगेट बॉल, बॉल।, बॉल है ठीक है टारगेट बॉल इन ए कॉर्नर पॉकेट विच इज एट एन एंगल थीटर टू इज इकल टू थर्टी सेवन डिग्री बच्चों प्लेयर क्या चाह रहा है कि ये जो टारगेट बॉल है इस टारगेट बॉल को जो है यहां वो इधर कॉर्नर पॉकेट में सिंक करना चाह रहा है मतलब डालना चाह रहा है ठीक है वो इस तरीके से इसे स्ट्राइक यहां कलिजन करेगा कि ये वाली जो बॉल है ये जो टारगेट बॉल है इधर जाकर के इस पॉकेट में जाएगी ठीक है और ये वाली बॉल जो है इधर जा रही है ठीक है ये फिगर हमें तो यहां पे इस एक्स एक्सिस के साथ जो है ये देखो ये वाली जो बॉल है वेलोसिटी से इधर जा रही है तो यहां पे थीटा वन एंगल बन रहा है और ये वाली जो टारगेट बॉल है ये इधर जा रही है तो इस एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा यह एंगल बना रही है ये एंगल हमें थर्टी सेवन डिग्री आगे लिखा है एज्यूम दैट द कलीजन इज इलास्टिक हमें ये मानना है कि इन दोनों बॉल में जो कलीजन हुआ है वो कलीजन इलास्टिक है ठीक है एंड दैट एंड दैट फ्रिक्शन एंड रोटेशनल मोशन आर नॉट इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे रोटेशनल मोशन फ्रिक्शन मोशन को कंसिडर नहीं करना है ऑप्टेन थीटा वन हमें इस थीटा वन की वैल्यू फाइंड करनी है अब देखो इस क्वेश्चन को किया कैसे जाएगा <coughs> देखो बच्चों सबसे पहली बात यहाँ पे हमें गिवन है कि जो कलीजन है वो इलास्टिक कलीजन है तो देखो इलास्टिक कलीजन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो इलास्टिक कलीजन होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कंजर्व रहता है और दूसरा जो सेकंड पॉइंट है सेकंड पॉइंट ये है कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज आल्सो कंजर्व ठीक है तो इतना आपको पता होना चाहिए इसी इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व ठीक है हम क्या करेंगे यहां पर काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व रखेंगे देखो यहां पर क्या है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कलीजन ज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कलिजन बच्चों देखो ये जो बॉल है ना अभी इन्होंने कलीजन नहीं किया है स्टार्टिंग में ये जो सिस्टम है ये वाला जो सिस्टम है बिफोर कलीजन इसका जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा

अब देखो बच्चों आफ्टर कलीजन हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो इसका मास एम है इसका मास भी एम है

यहाँ पे कॉमन आ जाएगा ये हो जाएगा आपका वी वन प्लस वी टू का स्क्वायर प्लस वी टू का square, ठीक है? हमें मिली, ठीक है? अब देखो बच्चों दूसरा क्या है मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज आल्सो कंजर्व इलास्टिक कलिजन में क्या होता है मोमेंटम भी आपका कंजर्व रहता है ठीक है तो हम यहां पे क्या करेंगे मोमेंटम को कंजर्व रखेंगे मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कलीजन इक्वल मोमेंटम ऑफ सिस्टम मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कलिजन ठीक है तो सबसे पहले हमें बिफोर कलीजन कलिजन से पहले इस सिस्टम का हम क्या करेंगे मोमेंटम निकालेंगे तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा एम इंटू यू वन ठीक है तो एम इंटू यू वन बच्चो यहां पर बैक्टर का साइन भी लगेगा ठीक है एम इंटू यू वन प्लस एम इंटू इसका हमें मोमेंटम निकालना है बिफोर कलीजन तो ये तो रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम तो फाइनली जीरो ही आ जाएगा ठीक है ये वेलोसिटी है एम वेलोसिटी वेलोसिटी ये तो रेस्ट में है इज इक्वल टू यहां पे आफ्टर कलीजन आफ्टर कलीजन हमें इन दोनों बॉल का क्या निकालना है मोमेंटम निकालना है ठीक है तो इसका मोमेंटम एम इंटू हो जाएगा एम इंटू प्लस इसका हो जाएगा आपका m into v2 ठीक है वेक्टर का साइन जरूर लगाना है बच्चों ये हो जाएगा आपका mu1 is equal to mv1 plus mv2 अब देखो इससे आगे क्या करेंगे हम यहां पे ये mu1 is equal to यहाँ पे m कॉमन आ जाएगा ये हो जाएगा आपका v1 plus v2 तो ये फाइनली m से m कट जाएगा तो हमें ये जो इक्वेशन मिलेगी u1 is equal to u1 is equal to v1 plus v2 अब देखो बच्चों इससे आगे हम क्या कर सकते हैं देखो जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो ना तो हमें क्या करना होता है हमें सिर्फ जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है ठीक है हमें ये जो ये हमें जो इक्वेशन मिली है ना इसका हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है ठीक है स्क्वायरिंग बोथ साइड तो देखो जब हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यू वन ये वैक्टर है आपका इसका होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका वी वन प्लस वी टू का होल स्क्वायर ठीक है अब देखो इसका होल देखो बच्चों एक चीज बताता हूं आपको जैसे u1 वेक्टर का होल स्क्वायर कर रहे हैं ना तो इसे ऐसे लिखा जाएगा u1 वन डॉट यू ठीक है देखो मैं समझाता हूं एक चीज जैसे मान लो a का होल स्क्वायर आपको करना है तो a का होल स्क्वायर तो क्या होगा a इंटू ए होगा लेकिन अगर a के ऊपर यहां पे वेक्टर का साइन लगा है

अब क्या करते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो देखो इससे पहले इसे भी सॉल्व कर लेते हैं फिर इसे सॉल्व करना बताऊंगा अभी यू वन डॉट यू वन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इसको इसके साथ डॉट कीजिए वी वन डॉट वी वन फिर इसका इसके साथ कीजिए वी वन डॉट वी टू फिर इसका इसके साथ कीजिए ये हो जाएगा आपका वी वन डॉट वी टू और इसका इसके साथ कीजिए ये हो जाएगा आपका बी टू डॉट बी टू ठीक है अब देखो यू वन डॉट यू टू कितना होगा बच्चों देखो बताता हूं इसका वैसे देखो आपने डॉट प्रोडक्ट पता होगा आपको ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए बी कॉस थीटा होता है ठीक है अब देखो बच्चों ये तो ये, तो देखो ये जो थीटा एंगल है ना थीटा एंगल मतलब ये ये जो दो डिफरेंट फैक्टर है उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो होता है थीटा ठीक है अब देखो यहां पे क्या चीज है अगर दोनों के दोनों सेम फैक्टर होंगे अगर ए डॉट ए अगर हमें करना होगा तो ये क्या हो जाएगा ए बी दोनों के दोनों अगर सेम वेक्टर होंगे तो उनमें कुछ जो एंगल बन रहा होगा जीरो डिग्री का एंगल बन रहा होगा तो थीटा की जगह में क्या जाएगा जीरो डिग्री आ जाएगा तो ये आपका ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डॉट ए ये ए है ठीक है बच्चों यहां पे ए आएगा ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए इंटू ए और जीरो डिग्री की वैल्यू वन होती है तो ए डॉट इक्वल टू होता है वो ए स्क्ता है, तो है ठीक है तो यहां पर देखो यह दोनों, दोनों सेम वैक्टर है U1 U1. तो इसका भी जो होगा हम क्या करेंगे यहां पर यह साइन हट जाएगा यू वन स्क्वायर लिखेंगे ठीक है यह भी दोनों सेम वैक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो वी वन स्क्वायर लिखेंगे ठीक है इस प्लस देखो इन्हें प्लस करेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा आपका टू वी वन डॉट बी टू ठीक है अब देखो ये दोनों के दोनों सेम वैक्टर है इनका डॉट प्रोडक्ट है तो वो ये क्या हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर ये होगा आपका यू वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर अब देखो बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे यहां पे टू लिखना है और ये देखो जैसे आपका ए डॉट बी इजिकल टू क्या होता है ए बी थीटा होता है ना जब दो डिफरेंट वेक्टर होते हैं तो उन्हें ए बी थीटा हम लिख सकते हैं अब देखो यहां पे ये बी वन है ये बी टू है तो ये दो डिफरेंट वैक्टर हैं ठीक है देखो एक वेलोसिटी का वेक्टर इस डायरेक्शन में वी टू वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है तो इनमें जो एंगल बन रहा है इन दोनों वेक्टर में जो एंगल बन रहा है थीटा वन प्लस थीटा टू बन रहा है ठीक है तो बच्चों ये जो एंगल होता है ना एंगल एंगल ये एंगल जो होता है इन दोनों वैक्टर में जो एंगल है वो होता है लेकिन यहाँ पे जो दो वैक्टर हैं वो कौन कौन से वैक्टर हैं एक वी है एक वी है तो वी और वी में जो एंगल बन रहा है ये थीटा वन प्लस थीटा टू बन रहा है ठीक है तो यहां पे वी वन डॉट वी टू इजिकल टू जैसे ए डॉट बी इजिकल टू ए बिकॉज थीटा है तो ये हो जाएगा आपका वी वन टू कॉस और जो इन दोनों में एंगल बन रहा है ठीक है थीटा वन प्लस थीटा टू ये थीटा वन प्लस थीटा टू तो हम क्या करेंगे इसे यहां पे लिख देंगे ठीक है ये टू आएगा आपका ये हो जाएगा आपका v1 v2 वी टू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे देखो हमें ये इक्वेशन मिल गई एक इक्वेशन ये मिली और एक इक्वेशन हमारे पास ये थी ठीक है सेकेंड इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड इक्वेशन है हमें क्या करना है इनको इक्वेट कर देना है देखो बच्चों यू वन इज इकल टू ये हमें मिला है तो यू वन स्क्वायर इज इकल टू ये भी होता है आपका तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे यहां पे लिख देंगे यू वन की जगह में लिख देंगे ठीक है तो यू वन की स्क्वायर की जगह में हम लिखेंगे बी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर ये यू वन स्क्वायर इजिकल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर है तो इसे हमने इसकी जगह में लिख दिया इजिकल टू वी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्स टू वी वन बी टू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू थीटा वन प्लस थीटा टू अब देखो ये वी वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पे जीरो आ जाएगा जीरो कर रहा हूं ठीक है देखो इस इक्वेशन को पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जीरो इज इक्वल टू टू वी वन वी टू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू है तो बच्चों ये ये जो ये जो वैल्यू है ये जीरो के नीचे आ जाएगी ठीक है टू वी वन वी टू इज टू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू तो जीरो अपॉन ये कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो ये हो गया आपका कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बच्चों ये जो जीरो है ये कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है कॉस्ट नाइनटी डिग्री की वैल्यू जीरो होती है तो इसकी जगह में हम कॉस 90 डिग्री लिख सकते हैं कॉस थीटा वन प्लस थीटा 2. तो देखो बच्चों यहाँ पे भी कॉस है यहाँ पे भी कॉस है यहाँ पे इक्वल का साइन है ठीक है तो इसका मतलब ये जो 90 डिग्री है ये थीटा वन प्लस थीटा टू के इक्वल है ठीक है तो 90 डिग्री इज इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें थीटा टू कितना दे रखा था थर्टी सेवन डिग्री दे रखा था ये वाला एंगल हमें थर्टी सेवन डिग्री दे रहा दे रखा था तो थीटा टू की जगह में क्या आ जाएगा आपका थर्टी सेवन डिग्री आ जाएगा तो ये फाइनली थीटा वन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका नाइनटी डिग्री माइनस थर्टी सेवन डिग्री तो थीटा वन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फिफ्टी थ्री डिग्री ठीक है तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में ये थीटा वन ही पूछा था तो ये जो थीटा वन आ रहा है बच्चों ये फिफ्टी थ्री डिग्री आ रहा है ठीक है तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है